हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी अपडेट। हम यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 वाली जो भर्ती प्रक्रिया है उसके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही है दोस्तों। जैसा कि सभी अभ्यर्थी की निगाहें यूपीपी 49,568 वाले मेडिकल पर टिकी हुई हैं जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। सारी कुछ जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं, सभी के डाउट्स यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं, वीडियो के ठीक नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उसे सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही यूपीपी रिलेटेड 49,568 वाली भर्ती हो, चाहे कोई भी एनी वैकेंसी हो, सबसे पहले आपको न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी। सभी के डाउट्स यहां पर क्लियर किए जाएंगे, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, बेल आइकन घंटी को जरूर ऑल कर लेना, जिससे जब भी हम नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आए सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, लेकिन वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, नहीं तो कोई भी आधी अधूरी जानकारी आपके साथ प्राप्त हो पाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात है अभ्यर्थियों को वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और यही सबसे बड़ा उनका कन्फ्यूजन रह जाता है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखना। सभी के लिए यूपीपी 49,568 में सिविल पुलिस वाले हों चाहे पीएससी वाले, सब कुछ जानकारी आपके लिए यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 जो सबसे बड़ी भर्ती है, इस भर्ती की प्रक्रिया अभी अंतिम पड़ाव पर चल रही है, यानी कि अंतिम चरणों में ये प्रक्रिया चल रही है और सभी अभ्यर्थी यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इसका मेडिकल को लेकर के। जहाँ पर देखो वहीं पर चर्चाएँ हैं कि मेडिकल कब तक होगा, मेडिकल का कुछ अभी तक न्यूज़ आया है या नहीं आया है, मेडिकल की क्या जानकारी है, सभी अभ्यर्थी यहां पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों जब भी अपडेट आती है तो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करता हूं, सबसे पहले सबसे तेज, और हर एक अपडेट की जानकारी आपको विस्तार पूर्वक यहां पर मैं समझाता भी हूं। आपके मन में कोई भी डाउट्स यानी सवाल हो, कोई भी कमेंट बॉक्स पूरा खाली पड़ा है वहाँ पर जा करके कमेंट कर सकते हैं, मैं उन सभी के जवाब आपको रीड करूँगा और रिप्लाई दे करके भी बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल के बारे में कि मेडिकल कब तक होगा। अभी भर्ती बोर्ड की तरफ से सारी तैयारियां यहां पर तेज़ी के साथ चल रही हैं और अभी फ़िलहाल में आप सभी के लिए बताते हैं, साथ में मेडिकल और प्लस में एडमिट कार्ड आने में कम से कम 10 दिन का तो समय लगता है। एडमिट कार्ड आने में 10 दिन का समय लगेगा और फिर जो है वो मेडिकल अभ्यर्थियों को कराया जाएगा, एक या दो दिन जाने में समय लगता है। तो इस प्रकार अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि मेडिकल के जो एडमिट कार्ड हैं वो ऑफलाइन आएंगे या ऑनलाइन, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है अभ्यर्थियों के मन में कि जो मेडिकल के एडमिट कार्ड आने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे या फिर ऑफलाइन जारी किए जाएंगे। तो मैं सभी अभ्यर्थियों को बता देना चाहता हूँ जो यहाँ पर जिन्होंने सिलेक्शन पा लिया है 49,568 में, इस वाली भर्ती में चाहे पिछली बार भर्ती थी, जब भी यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो मेडिकल जब भर्ती बोर्ड की तरफ से कराया जाता है तो ये एडमिट कार्ड जो होते हैं वो ऑफलाइन जारी किए जाते हैं, ना कि ऑनलाइन। क्योंकि दोस्तों ये प्रक्रिया, चूँकि 50% बच्चे यहाँ पर सिलेक्शन पा चुके हैं और 50% के यहाँ पर पुलिस विभाग डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर ये सिपाही बन चुके हैं, तो इस आधार पर जब भी एडमिट कार्ड आते हैं वो ऑफलाइन ही मेडिकल के एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं। और ये जो एडमिट कार्ड आते हैं वो थाने के थ्रू आते हैं, जिस जगह आपका थाना होगा या मान के चलिए आप कहीं भी रहते हैं जहाँ पर आपने एड्रेस भरा होगा उस थाने में ये एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाते हैं एसएसपी ऑफिस से, जहाँ पर एसएसपी हेड ऑफिस ज़िले की होती है। जितने भी ज़िले में थाने होते हैं, जिस भी गांव के कैंडिडेट होते हैं या कस्बा के, वहाँ पर एडमिट कार्ड को भेज दिया जाता है, उस पर मोबाइल नंबर लिखा होता है, वहाँ से भी फ़ोन कर दिया जाता है। अगर बाई चांस आपको एडमिट कार्ड थाने से प्राप्त ना हो तो सीधे आपको एसएसपी ऑफिस से भी कॉल आ सकती है, एसएसपी ऑफिस से कॉल आएगी कि आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर आ चुका है, और नहीं एडमिट कार्ड की नहीं तो बताएंगे कि आपका इस डेट को, यानी कि मान के चलिए 15 जुलाई को मेडिकल है या फिर 23 जुलाई को मेडिकल है, ऐसे करके आपको बता दिया जाएगा। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो ये भी डाउट्स क्लियर हो चुका होगा, एडमिट कार्ड जब भी आते हैं मेडिकल प्रक्रिया के वो सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन ही जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अनलॉक 2 यहाँ पर शुरू हो चुका है, इसके साथ ही यहाँ पर एक न्यूज़
आई थी दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग संस्थान 15 जुलाई से खुल जाएंगे। इस संबंध में अलग से विस्तृत दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो इसका कहने का मतलब है कि 15 जुलाई से जितने भी यहां पर जो भी हैं केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकारों के ट्रेनिंग संस्थान हैं, वो 15 जुलाई के बाद यहां पर शुरू कर दिए जाएंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चर्चा के बाद स्कूल कॉलेज या कोचिंग संस्थानों को 31 जुलाई तक यहां पर बंद रखने का फैसला भी किया गया है। अब दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं मेडिकल के नोटिस के बारे में, कि नोटिस को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि मेडिकल का नोटिस नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली एडमिट कार्ड ही जारी कर दिए जाएंगे 49,500 अड़फट वाले भर्ती के। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों कमेंट से जिन्होंने कहा था कि जो नोटिस है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जारी किया जाएगा, बहुत सारे अभ्यर्थियों का ऐसा कहना था। तो दोस्तों मैं उन अभ्यर्थियों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मेडिकल का नोटिस है वो बहुत जल्द ही यहाँ पर अतिशीघ्र आने वाला है और सभी के लिए यहाँ पर खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों मैं प्रूफ के तौर पर आपको दिखा देता हूँ, ये जो नोटिस है आप देख सकते हैं अच्छे से बढ़िया से, उत्तर प्रदेश पुलिस उप मुख्यालय प्रयागराज, ये जो नोटिस जारी की गई है प्रयागराज से, और ये 13 मार्च 2019 का ये नोटिस है। मैं दोस्तों आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नोटिस जो आया था वो 41,520 वाली भर्ती है, उस भर्ती प्रक्रिया के लिए यहाँ पर नोटिस जारी की गई थी। और इसके अंदर विषय क्या था, आरक्षी नागरिक पुलिस में प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबल पदों पर सीधी भर्ती, 2018 में चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन के संबंध में ये नोटिस जारी की गई थी। तो इसी आधार पर आपका भी यहाँ पर जो 49,500 अड़फट है उस वाली भर्ती का भी नोटिस यहाँ पर जारी किया जाएगा। और दोस्तों ऐसे ही नोटिस जारी किया जाएगा जिसके अंदर सारी कुछ जानकारी आपको बताई जाएगी कि आपका जो मेडिकल है किस कहाँ पर होना है या फिर कितने अभ्यर्थियों का मेडिकल कराया जाएगा, ऐसे ही उस नोटिस के अंदर भी सारी जानकारी बताई जाएगी। और ये जो नोटिस आया हुआ था ये 41,520 वाली भर्ती का था, और ये जो नोटिस आया था देख सकते हैं, ये जो नोटिस आएगा वो अति महत्वपूर्ण द्वारा फैक्सिमेल के, यानी कि जब फिर जो नोटिस जारी किया जाएगा ये भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर नहीं आएगा, ये जो नोटिस आएगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन ही जारी किया जाएगा, वो भी फैक्स के द्वारा। तो ये नोटिस मैंने दिखा दिया, जो अभ्यर्थी कह रहे थे कि यहाँ पर ये नोटिस नहीं आएगी बिल्कुल भी, सीधे एडमिट कार्ड आने वाले हैं, तो इसी आधार पर मैंने सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर समझा दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो नोटिस जारी की गई थी सीधी भर्ती 2018 आरक्षी नागरिक पुलिस के पद हेतु चयनित 23,520 अभ्यर्थियों का चयन परिणाम वर्गदार उपलब्ध कराया गया है। उक्त चयन अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षा एवं सत्यापन की कार्रवाई उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रणति बोर्ड लखनऊ की वेबसाइट पर प्रदर्श सूची में दर्शाए गए अभ्यर्थियों गृह जनपद की पुलिस लाइन में प्रारंभ होगी, यहाँ पर यह भी उन्होंने बता दिया है। तो दोस्तों ऐसा ही नोटिस एक आएगा 49,500 अड़फट वाली भर्ती का, और इस नोटिस में यहाँ पर डेट जो होगी वो 2020 होगी, ये जो नोटिस है वो 2018 वाली भर्ती यानी कि 41,520 का है, मैंने आपको समझा दिया। मत ऐसा ना हो कि इस नोटिस को ही आप 49,500 अड़फट ही समझ बैठे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि इस नोटिस को 49,500 अड़फट ही समझ बैठेंगे। तो ये नोटिस है वो 41,520 का है, ऐसा ही नोटिस आएगा 49,500 अड़फट का, जिसमें भी यहाँ पर बता दिया जाएगा कि दोस्तों इतने अभ्यर्थियों का यहाँ पर मेडिकल कराना है, कहाँ पर कराया जाएगा, ये सारी कुछ जानकारी इसमें लिखी होगी, मैं आपको समझा दिया हूँ विद प्रूफ के साथ। बहुत जल्दी खुशखबरी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं PAC के मेडिकल के बारे में, PAC का जो मेडिकल है उसके लिए काफ़ी लंबा इंतजार अभ्यर्थियों को करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर में सिविल वाले कैंडिडेट होंगे उनका यहाँ पर मेडिकल कराया जाएगा, साथ में फीमेल कैंडिडेट होंगे, एक्स सर्विस होंगे, फ्रीडम फाइटर होंगे, भूतपूर्व सैनिक होंगे, इन सभी का जिनका सिविल पोस्ट के अंदर सिलेक्शन हो चुका है उन सभी का यहाँ पर मेडिकल कराया जाएगा सबसे प्रथम बैच के अंदर। यहाँ पर PAC वाले बच्चे हैं उनका मेडिकल में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, नवंबर की बात की जाए तो नवंबर में जाके उनका मेडिकल होगा, नवंबर 2020 के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा और भी टाइम लग सकता है। ट्रेनिंग की बात की जाए तो ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया है नवंबर के यानी के 2020 के लास्ट में और जनवरी 2021 से यहाँ पर शुरू
कर दी जाएगी पीएससी वाले अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग। तो दोस्तों मैंने बता दिया पीएससी वाले अभ्यर्थियों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा, पहले सिविल वाले अभ्यर्थी यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद पीएससी वालों का नंबर यहाँ पर आएगा, क्योंकि सभी अभ्यर्थी इस कदर बेताब हैं उत्तर प्रदेश 49,568 वाली भर्ती प्रक्रिया में, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लंबा समय हो चुका है। अब तक तो अभ्यर्थी बहुत सारे जेटीसी कर रहे होते, अगर यहाँ पर ये कोविड-19 नहीं होता तो बहुत सारे कैंडिडेट जो सिविल वाले हैं वो जेटीसी पर पहुँच चुके होते। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से जुड़ जाएँ, क्योंकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए।